तो 2004 में कांग्रेस को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाने वाली सोनिया गांधी आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी? अक्सर सियासी गलियारों में सवाल गूंजता है, जिसका जवाब एक किताब से मिला है। इस किताब में बाकायदा बताया गया है कि कैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी की एक धमकी के आगे झुक गईं और उन्होंने पीएम पद को ही ठुकरा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख थी 17 मई 2004। सोनिया गांधी का सरकारी निवास 10 जनपद। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और नटवर सिंह की वहां पर मौजूदगी। सोनिया गांधी कुछ उलझन में थी, तभी वहां राहुल गांधी पहुंचते हैं और आते ही अपनी मां से कहते हैं, मैं आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, मेरे पिता की हत्या कर दी गई, मेरी दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में आप भी मार दी जाएंगी। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को धमकी देते हुए ये भी कहा, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं बहुत कड़ा फैसला ले लूंगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात का खुलासा हुआ है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम की एक किताब से। इसे लिखा है जानी मानी जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी ने। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के हवाले से नीरजा चौधरी ने इन बातों का जिक्र अपनी किताब में किया है। बतौर नटवर सिंह, राहुल गांधी की सोनिया गांधी को दी गई धमकी मामूली नहीं थी। राहुल बहुत मजबूत इरादों वाले शख्स हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को इस मामले को हल करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। राहुल गांधी के जाने के बाद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे उनका बेटा प्रधानमंत्री पद ठुकराने के लिए कह रहा है। गौरतलब है कि 22 मई 2004 को सियासी उठापटक के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हालांकि खुद से अलग मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने पर हर किसी की मंजूरी लेना सोनिया गांधी के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि हर कोई सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत था। यहां तक कि सोनिया भी पीएम पद पर काबिज होने के लिए तैयार थी, लेकिन राहुल गांधी की एक धमकी ने सोनिया गांधी को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कैसे 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद लगातार 2 टर्म वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।